नमस्कार साथियों साथियों आप लोगों को प्रश्न आ रहे थे कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, तो इस बारे में बताना चाहूँगा कि हायर के समान ही ये भी परीक्षा आपका नया आयोग ही कराएगा। नया आयोग कराने का काम, जब तक नया आयोग बन नहीं जाता है तब तक ये परीक्षा आपकी नहीं हो पाएगी। कारण ये है कि नया आयोग लगभग आपका उसका सब कुछ तो बन गया है, लेकिन बस ये एस्टेब्लिश होने में इसको लगभग लास्ट मई तक, जहाँ तक ये नया आयोग आपका अस्तित्व में आ जाएगा। और फिर ये भर्तियाँ चाहे उच्चतर की हों या टीजीटी पीजीटी की हों, इसी के माध्यम से होंगी। बस ये है कि कुछ सदस्य हैं जो हायर के हैं वो इसमें ट्रांसफ़र किए जाएंगे टीजीटी, और मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तो कोई सदस्य और अध्यक्ष भी नहीं, सभी रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो इसमें अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करना पड़ेगा नए आयोग में, तो इसमें थोड़ा इस कारण डिले हो सकता है मे बी। तो डिले होने के कारण हमको ये परीक्षा आपकी अगर दिखती है तो किसी भी तरीके से अगस्त पहले नहीं दिख रही है इस तरीके से, क्योंकि अध्यक्ष का चयन करने के लिए विज्ञापन निकालना पड़ेगा, सदस्यों के भी चयन करने के लिए सेम प्रोसेस होता है। चयन करेंगे तब ये प्रक्रिया अपना एकेडमिक कैलेंडर शुरू जारी कर पाएंगे, किस तरीके से हमें कैसे क्या किस डेट में कैसे एग्जामिनेशन कराने हैं, क्योंकि पहले इनका विज्ञापन हो चुका है तो इसलिए शुरुआत में इनको ही कराना है इन एग्जामों को। उसके पश्चात नया विज्ञापन जो भी जब निकाला चाहेगा, इनको अध्याचन मिलेंगे तो नया विज्ञापन निकालेंगे। इसलिए ये परीक्षा आपकी अगस्त से पहले संभव नहीं दिखती, बहुत जल्दबाजी करेंगे तो आप अगस्त सितंबर की तरफ मान कर चलिए, इतना आपके दिमाग में रखिए कि ये उसी तरफ जाएगी, इससे पहले संभव नहीं है, क्योंकि थोड़ा समय तो लगता है सदस्यों और अध्यक्षों के चयन करने में। कितना भी जल्दी किया जाए, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पालन करना पड़ता है तभी ये सब चीज़ें हो पाती हैं। इसलिए अब आपको दिमाग में रखना है कि आपकी परीक्षा अगस्त या सितंबर की तरफ जाएगी, उसी के हिसाब से अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करती रखें। ठीक है, कोई अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर सूचित कर देंगे, उसके बारे में अवगत करा देंगे। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं इसलिए हमने ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाया है। ठीक, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।